झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन गोड्डा लोकसभा सीट हाल ही के दिनों में काफी चर्चे में था। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कांग्रेस की ओर से जब लिस्ट जारी होती है तब ये खबरें सामने आती है कि इस बार गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह चुनावी मैदान में है, यानी कि कांग्रेस की ओर से दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिलता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो नाम वापस ले लिया जाता है और ये बताया जाता है कि प्रदीप यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या दीपिका पांडे सिंह यहाँ पर प्रदीप यादव को मदद करेंगी या फिर प्रदीप यादव खुद ही प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था और उनका यही कहना था कि अगर कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारती है तब वो सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, चाय पियेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आसिया मौजूद है। आसिया, हाल ही के दिनों में जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया था और ये कहा था कि अगर प्रदीप यादव को कांग्रेस आगे करती है, चुनावी मैदान में प्रदीप यादव रहते हैं तो वो सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, चाय पियेंगे और जीत जाएंगे, तो क्या वहां का अभी का क्या माहौल है? क्योंकि दीपिका पांडे सिंह भी तो नाराज चल रही होंगी, उनका नाम लिया जाता है फिर वापस लिया जाता है, तो क्या दीपिका पांडे सिंह प्रदीप यादव को मदद करेंगी या फिर खुद प्रदीप यादव प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को वहां जीतनी चाहिए? करिश्मा, ये तो यक्ष प्रश्न है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी के नाम की घोषणा होती है और उसके बाद उसे बैठा दिया जाता है, किसी भी कैंडिडेट के लिए ये बहुत दुखद होता है, क्योंकि बहुत सब कोशिश करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब उनका वो वक्त आया कि पार्टी उन्हें रिवॉर्ड दे, टिकट के रूप में वो रिवॉर्ड उन्हें मिलता है। दीपिका पांडे सिंह भी कांग्रेस की वैसी ही सिपाही हैं और इनका बैकग्राउंड भी रहा है कांग्रेसी शुरू से। हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, कहा कि वो कांग्रेस की सच्चे सिपाही और ऐसे 100 टिकट राहुल गांधी के लिए कुर्बान, क्योंकि वो सुप्रीमो है फिलहाल और जिस तरह का आदेश मिलेगा कांग्रेस पार्टी से वो वैसा ही एक्ट करेंगी। उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया करिश्मा, ये बहुत पॉजिटिव साइन था और ये उन्हें बड़ा बनाता है, बड़प्पन उन्होंने दिखाया। कि जब दीपिका को टिकट मिला तो विरोध हुआ, प्रदीप यादव खुलकर तो नहीं बोले लेकिन उनके समर्थकों ने विरोध किया था, क्योंकि प्रदीप यादव भी ये कोशिश में थे कि टिकट उन्हें मिले और निशिकांत दुबे भी ये चाह रहे थे कि प्रदीप यादव उनके अपोजिट हों, क्योंकि लगातार जिस तरह उनके सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे थे या जो बयान आ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें प्रचार की भी जरूरत नहीं है। तो दीपिका पांडे को दिया टिकट कांग्रेस ने, फिर वापस ले लिया विरोध को देखते हुए, क्योंकि जब विरोध होता है ना करिश्मा तो किसी की भी सीट बचाना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप कहीं चुनाव लड़ते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ते हैं और जब कार्यकर्ता आपका साथ नहीं देंगे तो एक अकेले नेता की बस की बात वो नहीं है कि वो जन जन तक पहुंचे और एक लॉबिंग करे, एक तैयारी करे चुनाव में उन तक उनको वोट दिलाने के लिए। तो ये बातें दीपिका पांडे सिंह ने जब पोस्ट की तो ये उन्होंने दिखाया कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में सपोर्ट करेंगी, लेकिन क्या जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें टिकट मिलने के बाद बेहद उत्साहित थे, तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी, मीटिंग शुरू हो चुकी थी, प्रचार किस तरह से करना है वो एजेंडा तैयार हो गया था, अब वही एजेंडा प्रदीप यादव के लिए क्या वो अपनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने कहा है तो ये संदेश भी वो दे रही होंगी अपने कार्यकर्ताओं को कि आप चुनाव में जुटिए, लेकिन क्या वो सही मन से जुटेंगे ये देखना होगा। और चुनाव ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो निशिकांत दावा कर रहे हैं क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस है या वाकई ऐसी तैयारी है कि फिर से वो जीतेंगे। लेकिन आसिया, जब दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आया था तो कई कार्यकर्ता काफी खुश थे, आपने अभी उस बात का जिक्र भी किया कि सवाल ये उठता है कि दीपिका पांडे सिंह के जितने समर्थक हैं क्या वो प्रदीप यादव के साथ मिलेंगे, क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्योंकि दीपिका पांडे सिंह ने तो जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही है, वो इस तरीके के 100 टिकट जो है वो राहुल गांधी के लिए कुर्बान कर देंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्यकर्ता क्या करेंगे जो उत्साहित थे, जो ये सोच रहे थे कि अब दीपिका पांडे सिंह चुनावी मैदान में है उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करना है, तो वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? करिश्मा, अगर कार्यकर्ताओं को लगेगा कि इंडिया गठबंधन को जीत दिलाना है, कांग्रेस को जीत दिलाना है, तो वो जुटेंगे उसी तरह जिस तरह वो दीपिका के लिए प्रचार करने के लिए तैयारी उन्होंने की थी। और दीपिका पांडे भी एक सुलझी हुई नेत्री हैं, वो
इतने छोटे छोटे बातों से घबराकर पार्टी से नाराज होने वाली नहीं है, वो अपनी बातें अपना पक्ष खुलकर रखती हैं, तो उनकी तरफ से भी कोशिश होगी कि ये सीट कांग्रेस के खाते में चली आए, क्योंकि इस टर्म नहीं तो अगले टर्म में टिकट मिलना ही मिलना है, तो ये कोशिश तो होगी और कार्यकर्ता भी लगेंगे, जब आलाकमान से निर्देश आएगा या दीपिका से निर्देश आएगा तो वो भी जुटेंगे, लेकिन फाइट यहाँ पर दिलचस्प होगी। और देखिए यही दुमका के लिए भी हम बोल सकते हैं, सुनील सोरेन को बैठाकर वहां पर सीता सोरेन को टिकट दिया गया जब जेएमएम से वो बीजेपी में गई, तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट मिल रहा है सीता सोरेन को, तो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टफ फाइट है, क्योंकि कहा जाता है कि जो गोड्डा की सीट है वो देवघर से जाती है, तो देवघर में निशिकांत का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, तो वो वहां पर प्रदीप यादव को मेहनत करनी होगी। दूसरा गोड्डा में अल्पसंख्यक समुदाय भी है जो एक वोट बैंक है वहां पर उस मात्रा में, तो अगर वहां पर नाराजगी फुरकान अंसारी की भी सामने आई है, इरफान अंसारी को भी सुना करिश्मा आपने, तो ऐसे में अगर वो वर्ग एकजुट होता है तो प्रदीप यादव के लिए पॉजिटिव है, अगर नाराजगी होती है तो फिर इनका इनके लिए मुश्किल हो सकती है। प्रदीप यादव की जो MY समीकरण है उस पर प्रदीप यादव को काम करना होगा, जो पंडा वर्ग है, क्योंकि दीपिका पांडे जब रहती तो उस वर्ग को साधने में, निशिकांत के उस वोट को काटने में वो सक्षम हो सकती थी, कुछ वोट डेंट जरूर लगाती वो, लेकिन अब जब प्रदीप यादव है तो MY के साथ उन्हें वो पंडा समुदाय को भी अपने पक्ष में करना होगा। और देखिए एंटी इनकमबेंसी भी हो सकती है, जब निशिकांत दुबे लगातार वहां से सांसद रहे हैं तो कुछ लोगों में नाराजगी भी आ जाती है कि बहुत बार मौका दिया, चलो किसी और को बदल सकते हैं, तो ये फेवर कर सकता है प्रदीप यादव को, लेकिन किस तरह से तैयारी वहां निशिकांत कर रहे हैं, बिना प्रचार के लोगों के साथ चाय पीकर नुक्कड़ में जाकर बैठकर चौक चौराहों पर, उससे प्रदीप यादव किस तरह लड़ते हैं और कितनी पकड़ बनाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखिए गोड्डा बीजेपी की सीटिंग सीट है और ऐसे में निशिकांत दुबे तमाम चीजों को देख रहे हैं और इस बार यही माना जा रहा है कि निशिकांत दुबे ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में हैं, दीपिका पांडे सिंह का नाम वापस लिया गया, हालांकि दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट कर तमाम जानकारियां दी, उनका कहना है कि वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही है और इस तरीके की 100 टिकट वो राहुल गांधी पर कुर्बान कर सकती है, और ऐसे में देखिए यही माना जाता है कि दीपिका पांडे काफी सुलझी हुई नेत्री है, इसके साथ ही वो चीजों को समझती हैं कि आखिर किस तरीके से काम करना है और कैसे इंडिया गठबंधन को जीत हासिल करवाना है। अब सवाल ये उठता है कि जो दीपिका पांडे सिंह के साथ जो कार्यकर्ता थे, जो काफी खुश थे, जो काफी उत्साहित थे, ये सुनने के बाद कि दीपिका पांडे सिंह चुनावी मैदान में है और अब जिस तरीके से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में, तो दीपिका पांडे सिंह के जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से समर्थन जो है वो प्रदीप यादव को करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी लगातार अपनी आवाज को उठा रहे थे और उनका कहना था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अगर प्रदीप यादव के साथ दीपिका पांडे सिंह और फुरकान अंसारी मिलेंगे, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे, तो कह सकते हैं वहां पर एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।